दोस्तों OnePlus Nord 2 के स्पेसिफिकेशंस लीक हो रहे हैं और उनमें सबसे पहले सबसे बड़ा फीचर मिल सकता है आपको MediaTek Dimensity 1200 का चिपसेट। इसके अलावा 50 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल के रेयर कैमरास और साथ में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और साथ में 6.43 इंच का स्क्रीन और 4500mAh की बैटरी। और मेमोरी की बात की जाए तो 8GB का रैम, 128GB की इंटरनल मेमोरी या फिर 12GB का रैम और 256GB के इंटरनल मेमोरी के ऑप्शन के साथ आ सकता है OnePlus Nord 2। साथ ही साथ 90Hz का डिस्प्ले, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। लेकिन दोस्तों इससे पहले जो स्पेसिफिकेशंस रूमर्ड हुए थे या फिर लीक हुए थे उसमें कहा गया था कि ये फोन हो सकता है 30,000 रुपए के आसपास और अब कहा जा रहा है कि ये फोन हो सकता है 22,000 रुपए के आसपास। और दोस्तों इससे पहले लीक स्पेसिफिकेशन में ये कहा जा रहा था कि ये फोन OnePlus Nord 2 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल की 4 रेयर कैमरा के साथ आ सकता है। लेकिन अब जो लेटेस्ट लीक रूमर न्यूज आ रहे हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि ये फोन आ सकता है 50, 8 और 2 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ, लेकिन सेल्फी कैमरा 32 ही पहले भी कहा गया था और अब भी लेटेस्ट रूमर में भी कहा जा रहा है कि ये 32 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरे के साथ ही आ सकता है। और दोस्तों साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि इस फोन के 5G में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और पहले ये कहा जा रहा था कि इसमें 2 सेल्फी कैमरे हो सकते हैं 32 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल के, पर अब ये कहा जा रहा है कि इसमें एक ही सेल्फी कैमरा और वो हो सकता है 32 मेगापिक्सल का। और दोस्तों अगर ये फोन 22,000 रुपए के आसपास आता है और इसमें जो कैमरा है वो सेल्फी कैमरा अगर 32 मेगापिक्सल एक कैमरा भी रहता है और मेन कैमरा 50 के आसपास भी रहता है और क्वालिटी जो है कैमरे की काफ़ी अच्छी रहती है, साथ ही साथ मीडियाटेक का जो चिपसेट मिलने वाला है आपको उसके साथ अगर इतना बढ़िया रैम के ऑप्शन आते हैं और 22,000 का प्राइस पॉइंट के आसपास आता है तो काफ़ी अच्छी डील हो सकती है OnePlus Nord 2 की। और फिर दोस्तों ये वैल्यू फॉर मनी फोन बन सकता है, स्पेशली अगर इसमें इतने सारे फीचर मिल जाए और ये 22,000 रुपए के आसपास आ जाए और मेनली इस फोन में कैमरा और प्रोसेसर वही मेन एडवांटेज हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर ये 4500mAh की बैटरी है साथ भी आया तब भी, क्योंकि आजकल 6000mAh की बैटरी वाले फोन मिलना काफी इजी, मतलब आपको 6000mAh की बैटरी वाले फोन इजीली मिल जाते हैं 10-15,000 की रेंज में, वहां पर उस तक कि हाँ ये थोड़ा सा को बैटरी का बैकअप कम दे, लेकिन ओवरऑल 22,000 के प्राइस पॉइंट में अगर ये फीचर्स आते हैं तो काफी अच्छा फोन रह सकता है OnePlus Nord 2। तो वेट करते हैं OnePlus Nord 2 का। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।